हाय एवरीवन, इट्स मी नितीश अंबानी, बैक इन द गेम, बैक इन द न्यू वीडियो। तो आपको लास्ट वीडियो तो आपने टी बार देखा ही होगा, हमने टी बार का वीडियो, उस वीडियो को आपने अच्छा रिस्पांस दिया होगा क्योंकि अभी तक वीडियो अपलोड नहीं हुआ, उसके पहले मैं दूसरा वीडियो शूट कर चुका हूँ कम्प्लीट। तो ठीक है, इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जाने वाले हैं MP12 कैफे। जी हाँ, ये कैफे की मैं आपको स्टोरी शॉर्ट में सिंपल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कैफे की स्टोरी तो आपको वीडियो एंड वीडियो के मिड में भी मिलेगी, मैं कैफे की छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। कैफे जो है वो पहले एक शॉप थी पालीवाल एजेंसी करके, वो पालीवाल एजेंसी को उन्होंने एक कैफ़े बनाया साइड में। वो आपको स्टोरी इनको बाद में पता चलेगी कि क्यों बनाया। इनका खाना मैंने दिखाया है और इनके आपको दो कॉम्बोस में बताना चाहूँगा, एक है मोमोज वाला कॉम्बो और एक है बर्गर पिज़्ज़ा वाला, बर्गर पिज़्ज़ा सॉरी, इनका बर्गर वाला पैटिस, उसको बेक समोसा बोलते हैं हम, और स्वीट लाइम जूस और कॉर्न एंड पोटैटो स्टिक्स थी वो जो मैं खाई थी, वो आपको वीडियो में दिख जाएगी। और मोमोज वाला कॉम्बो ऐसा है कि मोमोज वाला कॉम्बो एक हॉट डॉग और एक कोल्ड ड्रिंक, इनके कॉम्बो में ऐसा है कि 99 में आपको एक कॉम्बो मिलेगा। वो 99 का कॉम्बो है मोमोज, चीज़ कॉर्न मोमोज 50 रुपीज़ में, 30 रुपीज़ का हॉट डॉग है, या तो आप 30 रुपीज़ का बेक समोसा लो जो आपको वीडियो में दिखता है चीज़ मेयोनीज वाला, और एक 20 रुपीज़ का आपको कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी मोमोज वाले कॉम्बो में। और उस वाले कॉम्बो में आपको 95 रुपीज़ का कॉम्बो है, उसमें आपको स्वीट लाइम जूस मिलेगा, वो स्वीट भी आपको मिल सकता है और सॉल्ट भी आप अपने चॉइस के हिसाब से बोल सकते हो। इन सब की रेटिंग मैंने आपको कर दी है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, मैं काफ़ी सारे रील्स डालता रहता हूँ। MP12 कैफे की कॉफ़ी की भी रील मैंने वहाँ डाली है, तो आप मेरे को वहाँ फॉलो कीजिए, आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलती जाएंगी। मैं फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, अब डायरेक्ट आपको ये वीडियो के लास्ट में मिलता हूँ। तो फाइनली मैं आ गया हूँ MP12 कैफे पे। ये मेरा दोस्त जिसका मैंने बताया था बचपन का यार, ये पापा जिन जे कैफे के ओनर हैं। तो चलिए इनसे कुछ वार्तालाप Q&A करते हैं, इंटरव्यू टाइप। तो अंकल, ये आपकी जैसे शॉप थी, मैंने वीडियो में बताऊंगा पालीवाल एजेंसी करके, तो कैफ़े का आइडिया आपको कहाँ से आया? कैफ़े का आइडिया वो क्या है कि हमारे एक मित्र है अंशुल कोठारी करके, उनके पास एक शेफ आया था जो बड़ी होटल में काम करता था, तो उन्होंने सजेस्ट करा कि ये बहुत अच्छा बनाते हैं और ये अपने यहाँ काम करना चाहते हैं। तो हमने दो चार दिन सोचा, उसके ऊपर विचार करा, उसके बाद फिर हमने लगभग एक हफ्ते में तो चालू कर दिया था। लॉकडाउन में कुछ इम्पैक्ट पड़ा MP12 पे? नहीं, लॉकडाउन के समय तो बंद ही था हमारा, हमने मतलब कोई कार्य नहीं करता लॉकडाउन के बाद। सेकंड लॉकडाउन के बाद? नहीं, उसके बाद तो बढ़िया चल रहा है, लॉकडाउन के बाद तो धंधा और अच्छा चल रहा है। ये खुले ही फर्स्ट लॉकडाउन जो हुआ था ना, उसके बाद ही खुला ये, और अभी जो लॉकडाउन लगा था जब तो कम्प्लीटली बंद था पूरा 1-1.5 महीने तक, फिर उसके बाद अभी वापस चालू किया, अब अच्छा रिस्पांस आ रहा है पहले से। कोई ऐसी चीज़ जो सबसे ज़्यादा सेल हुई है पिछले 10 महीने में? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मंचूरियन नूडल्स, इसका सेल बहुत बढ़िया है, उसके बाद चिली पनीर और पिज़्ज़ा और सैंडविच वगैरह। ड्रिंक्स तो अभी स्टार्ट ही करा है, उसमें भी ज़्यादातर कोल्ड कॉफ़ी ज़्यादा होती है, कोल्ड कॉफ़ी और फिर अपना वनीला शेक, चॉकलेट शेक, किटकैट शेक, ओरियो शेक, ये सब बेस्ट हैं यहाँ के अभी तक। और कस्टमर तो मतलब एक कस्टमर जो एक ही चीज़ पे स्टिक करा है, ऐसे कस्टमर आए? हाँ, बहुत सारे ऐसे तो जो हर हफ्ते ही आ जाते हैं, कोई चिली पनीर खाना आ जाता है, कोई मेरे जैसा आ जाता है रील बनाने, आते हैं ना, बहुत आते हैं ऐसे भी। तो इस Q&A को यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी अब चलते हैं डायरेक्ट फूड पे। ठीक है, मेरे क्या अच्छा लगा बात करके, अच्छा मेरे को कितना कुछ खाना सिर्फ 99 में, ये हॉट डॉग, ये कॉर्न एंड पोटैटो राइस, ये चीज़ देख सको इतना लार्ज है, मैं सब खाता हूँ, सबकी रेटिंग देता हूँ आपको, और ये स्वीट है मुझे, सबकी प्राइसेस भी आपको दिख जाएंगी। हे एवरीवन, फिलहाल इसको और दूर तो इस टाइम पे ना मैं MP12 कैफे से ना अपने घर आ चुका हूँ, नेक्स्ट डे चल रहा है, बालों को इग्नोर करना ना। इस टाइम अभी सुबह के 8 बजे, तो अब मैं अच्छा खासा आपको रिव्यू देने वाला हूँ कि MP12 कैफे क्या क्या हुआ। तो
तो रिव्यूज़ तो मैंने आपको दे दिया, प्राइस की लिस्ट भी आपको वहाँ पे दे दी है। तो अब मैं बताता हूँ MP12 की थोड़ी सी स्टोरी। एक्चुअली अंकल ने थोड़ा वो हो गया था, नर्वस थे जो थे, और मेरा दोस्त फर्स्ट टाइम ऐसे कैमरे पे आया, तो शाही ऐसे इंटरव्यू टाइप। तो ना इनका जो स्टोरी है कि इनका एक शेफ़ है, मतलब इनका एक दोस्त है मेयर, हमारे यहाँ मेयर है, मेयर बोलते हैं आपको, पार्षद जो भी बोलो, मिनिस्टर, उनका लड़के ने इनको सजेस्ट करा कि ना हम यहाँ पे, हमारा एक वो है शेफ़ है, उनकी उनको जॉब चाहिए थी क्योंकि उनकी पुरानी जॉब उन्होंने छोड़ी, उनका उनका होटल ही, उनका होटल मतलब इधर काम करते थे, उनको बहुत अच्छा खाना बनाते थे। तो आए, उन्होंने यहाँ पे बात बात की, इनका खाना टेस्ट करा, फिर 2-4-7 दिन इन्होंने सोचा, फिर इनका प्लान बन ही गया कि हाँ हमको कैफ़े खोलना है। और कैफ़े खोलने के बाद फिर जैसे लास्ट अक्टूबर में कैफ़े खोला, लॉकडाउन के बाद और फास्ट चला। तो ये थी स्टोरी MP12 कैफ़े की। तो मैं कैफ़े को रेट कर चुका 4.5/5, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, MP12 कैफ़े की एक रील डाल चुका हूँ, काफ़ी जगह की मैंने रील्स डाली हैं, तो आप वहाँ पे भी मेरे को फॉलो करो, मैं बहुत सारे रील्स डालता रहता हूँ, और माइक को थोड़ा ऊपर भी करके देखते हैं, ठीक है। तो आप मेरे को वहाँ फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, यूज़र नेम @NitishM106। मैं फिर मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो पर।